हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनी व्लॉग्स। आज जा रही हूँ मैं अपने स्कूल। आज हमने टैक्सी बुला ली क्योंकि मम्मा ने भी जाना था, तो हमने सोचा थोड़ा इजी रहेगा। आंटी तो नहीं बैठी है आगे? सी हाय, आप कहाँ जा रहे हो? सत्संग। ये सत्संग जा रहे हैं, हम जाएंगे स्कूल। वहाँ पे बहुत फेमस, जहाँ से हम खाते थे हॉट डॉग, वो खाने जा रहे हैं। एंड आई शो यू माई स्कूल एज वेल। मम्मा के एक फ्रेंड भी आ रहे हैं साथ में, उन्हें भी पिक कर लेंगे रास्ते में। ये खड़े? अच्छा, ये वाले? ओम बोर्डेड अ बस, सो हमारे को इट विल टेक आई थिंक 10 मिनट्स टू रीच आवर स्कूल छोटा शिमला में। बाय, इट्स सो नॉस्टैल्जिक। अंकिता इधर आना। सो ये हमारे स्कूल का चौक है। सोचो 12 अंकिता, अंकिता को 10 साल, मैं 12 साल। यहाँ पे ये चौक है हमारा। हाँ, ये बसेस दिखाना ना, इन बसेस में हम घर तक जाते थे। ये यहाँ से हम आते थे, मैं अभी यहाँ पे नीचे ले जाऊंगी। आते थे बस में सीट लेने के लिए, इन बसेस में फिर हम बैठ के घर जाते। यहाँ पे बसेस खड़ी रहती थी। कुलचे वाला होता था, राजू है नहीं। यहाँ पे होता था एक कुलचे हॉट डॉग वाला अंकल, इतना फेमस। मतलब जितने भी बीर्स और चेल्सी में पढ़ते होंगे ना, सारे यहाँ पे तो आते ही होंगे। बट ही इज नॉट हियर एंड वी केम स्पेशली फॉर दिस। ये एक शेड था, ये नया शेड था। इस तरफ को संजौली और जाखू के लिए रास्ता जाता है। ये वाला फॉरेस्ट रोड है, ये बडीज है एक यहाँ पे। ये वाला किली, देयर इज वन अंकल, अदर अंकल। ये घर गए, वो घर गए हुए हैं, तो हम इनसे ले लेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो स्कूल बसेस अभी अलाइन हो रही है, अभी लगेगी सारी अलग अलग रूट की बसेस। मैं सर पहचान रही थी आपको, मैंने कहा सर है हमारे को, तो अनामिका ने बोला सुरेश सर है। मैं स्पोर्ट्स में जितना भी इवॉल्व किया है, वजह से किया है। हम भी ऐसी लाइन लगा के चलते थे बहुत पहले। अभी तो ये बन गया, उस टाइम नहीं था। उस टाइम पे शिमला में जो नया है वो ये है कि ये साइड में रेलिंग लगी है, पहले नहीं होती थी, अभी नया हो गया। हाँ, तो हम तो यहाँ पे सड़क चलते थे, वही लाइन वाइज फर्स्ट क्लास जाएगी, सेकंड क्लास जाएगी, थर्ड क्लास, फिर ऑर्डर से सब चलते थे। ओह, सो नॉस्टैल्जिक। ये तो बोलना पड़ेगा, बेस्ट एथलीट, यू वर बेस्ट एथलीट है ना? ओके, गॉड ब्लेस यू। वो मेरा पुराना यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में घुस आता था, जो अपना होमवर्क भी करवाता था और एग्जाम के पेपर्स भी लिखवाता था। मेरी अच्छी कट रही थी। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। ये हमारा चर्च है, अंदर चैपल। अंदर तो जाना अलाउड नहीं, आई थिंक ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। है ये रहा चैपल, अंदर से तो बहुत बहुत और ज़्यादा सुंदर और प्रिटी लगता है ये। वो भी बहुत बड़ा ऑडिट हो रही है, वो होगी आई थिंक 7-8 मंजिल की है वो। अच्छा, अंकिता वाले टाइम पे नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ दंगे वगैरह भी हो गए थे। हाँ, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, एक बहुत फेमस केस हुआ था यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ी सिक्योरिटी उसके बाद से टाइट होगी होगी। एंड जब हम टेंथ, पहले यहाँ पे सिर्फ 10th तक था, उसके बाद सारे ना यहाँ पे सामने कॉलेज है बीड्स, ये भी बहुत फेमस है सेंट बीड्स, फिर सारे इस कॉलेज जाते थे। पर मेरे टाइम पे तो यहीं पे प्लस 1 प्लस 2 हो गया था,
एंड अंकिता स्विच्ड किसी और स्कूल में, वो मैं आपको दिखाती हूँ वो बीड्स कैसा है। एक यहाँ से भी रास्ता तो कभी गई नहीं होगी, मैं तो बहुत गई हूँ, ऊपर है एक वो दिखाऊंगी, बड़ा सुंदर है। A few moments later. Oh God, एक तो रोना ही निकल गया टीचर से मिलके। दिखा देना कुछ। हमने कोई 10 मिनट बात किए, she was so happy to see me. कह रही थी कि rebellion थी but it was good. इसे जाना allowed है? नहीं allowed है। गेट पे मतलब वो चैपल में भी ऐसे एंट्री करते हैं, यहाँ पे ऐसे होली वाटर होता है तो हम ऐसे लेते थे, फिर ऐसे प्लस बना के फिर जाते थे अंदर। इसी चीज ने हमारे हिंदू तब हमसे इतना निकाल दिया ना, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण हमें अपनी संस्कृति से हम जोड़ नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है अब। इसलिए उसके लिए मुझे अब थोड़ी ऐसी रिसर्च करनी पड़ती है टू नो हाउ इट इज। हाँ बट ऑफकोर्स अब मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल में होती तो शायद जहाँ मैं होगा वहाँ नहीं पहुँच पाती, जस्ट बिकॉज आई वॉज विद पीपल who were just better than me, it just made me feel that I have to become better. Same goes for Anamik also, I feel. People who were better than us financially and otherwise also, it just made us to strive. We just wanted to be better. हाँ ये तो ये ट्रू अंकिता ट्रू कि हम अपना ना वो जो कल्चर है ना वो इतना हम जान नहीं पाए। वो भी सोचो महाभारत मैंने अभी पिछले साल अच्छे से देखी है तब मुझे पता चला, मतलब अब और स्कूल मैं काम पूरा इतना होता था कि हम एट द एंड ऑफ द डे व्हेन एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बैंड्स कि ये वाला बैंड फेमस है एवरी लिविन ये, तो वी ऑल्सो यूज्ड टू गो एंड कि हाँ ठीक है लेट्स सी सम लाइक बैकस्ट्रीट बॉयज एवरी लिविन, हम भी उन चीजों में एनरिक इग्लेशियस ओह माय गॉड वी यूज्ड टू गो एंड watch their videos, those songs, the Hindi songs or Hindi movies या Hindi channels या महाभारत। तो हम उस time तक तो हम ये वाले ही थे। और ये हम कब तक थे? हम बहुत time तक, मतलब एक school के भी कोई 3-4 साल, अभी तक अब तक तो नहीं करते, अब तो ये रहता है, पर पहले तो ये ही रहता था। अभी मैं ले जाऊँगी आपको एक और exciting जगह पे, जहाँ पे मैं मेरी friends हम कभी कभी मतलब स्कूल टाइम में तो बंक तो ये उस टाइम पे तो था ही नहीं, मतलब भूल जाओ बंक हो सकता था, तो जैसे कभी स्कूल ख़त्म हो गया छुट्टी वाले दिन हम जाते थे, मैं ये तो कभी भी नहीं गई बेचारी, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ आज, ये फर्स्ट टाइम जा रही है और मम्मी ने मना भी किया था बट भगवान का नाम लेके जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी ग्रेवयार्ड। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती थी वहाँ पे, मैं मेरी एक फ्रेंड थी पलक, इसीलिए पढ़ाई ना हुई इनसे, ग्रेवयार्ड घूमते थे ये, कोई भूत भूत चिमड़ गया होगा आज तक चिमड़ा हुआ हमने सही में भूत बुलाने के लिए हमने क्या किया, पेपर था पेपर पे लिखा हमने वो ABCD वगैरह करके, बारिश हो रही है छाता पकड़ के बैठे हुए कॉइन लेके, भाई बहुत मजे किए है। बट इट्स सैड कि जो मेरी फ्रेंड थी पलक शी एक्सपायर्ड अभी 3-4 साल हो गया आई गेस, ग्रेट शी इज वेरी लाइक इनोसेंट बट भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो उसका घर यहीं नीचे था तो हम थोड़े टाइम उसके घर पे बैठते थे, फिर जब आगे हम जाते थे ग्रेवयार्ड में दिखाती होंगी तो पहली बार देखेगी, पर हाय क्लासी है वो भाई, मैं शरीफ बच्चा नहीं होते, ऑल्दो आई वाज नॉट फर्स्ट बेंच नहीं थी लेकिन शरीफ बच्चे शांत वाले बच्चे इंट्रोवर्ट, वो मैं अभी भी हूँ इंट्रोवर्ट बट नाउ आई नो हाउ टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, तो मैं वो बच्चा होती थी जो पढ़ाई भी नहीं करता था पर शरीफ होता था। शिमला में तो वैसे वॉक भी करो ना नॉर्मल सड़कों पर देख लो भाई, हाँ ठीक है मैं ये अपने व्लॉग में डालूंगी पर आप लोग अगर देखोगे, अगर जस्ट इन केस ज़्यादा लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा लोग मत आ जाना, होता है ना जैसे कुछ चीज़ वायरल हो जाए तो फिर लोग बोलते हैं वाओ, इससे बेटर जंगल के रास्ते हैं यहाँ पे शिमला में वो एक्सप्लोर करो गाइस। वैसे लेकिन यहाँ पे हर जगह इतनी गाड़ियाँ होगी ट्रैफिक लगता है, तुम कहीं पर भी कुछ कुछ गुलू गुलू नहीं कर सकते, देख लो ये कितना बड़ा है आगे और इससे भी थोड़ा और आ गया, हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा है, ये हमारा चखना स्पॉट नहीं नहीं यहाँ से मैं पलक लेते थे चिप्स वगैरह और फिर आगे जाके बैठ जाते थे ग्रेवयार्ड में खाते पीते थे। यहाँ से था पलक के घर का रास्ता, लास्ट घर था, अब इसके आगे कोई घर नहीं होंगे क्योंकि आगे ग्रेवयार्ड है, एक्साइटेड तो गए हैं मैं और पलक यहाँ से तो चढ़ के गए हमारा ऐसी कपल्स तो ऐसे बैठ जाते हैं आप इस सारे कपल थे, हम नहीं मैं और पलक तो मैथ का पेपर गाड़ने गए थे 10th क्लास में, इतनी गंदी लगती थी मैथ लास्ट पेपर मैथ्स का, मैं और पलक गए ऊपर मिट्टी गाड़ी उसमें अपना पेपर डाला और बोला यस हम मैथ्स को कभी नहीं देखेंगे जिंदगी में दोबारा, अब टैक्स जब भरना होगा तब मैथ्स तुम्हारी लेगी कोई नहीं अंकिता आई हैव अंकिता विद मी ये भरेगी।
उस टाइम पे मुझे लगता था कि भाई इतने पास है, ये दूर क्यों लग रहा है अभी। उस टाइम हम चलते होंगे, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। उस टाइम पे हम चलते होंगे, मस्ती करते करते चलते होंगे, कुछ पता नहीं चलता होगा। अब लगा दिया, अब बंद कर दिया। यस बंद है, टापना है क्या? कोई नहीं, जहाँ बंद होता है साइड में रखा, तो भी निकाल लिया। सही में क्या फायदा, इतना बड़ा ताला लगा बंदे ने साइड से निकाल लिया। ये देखो नीचे पूरा, ये फॉरेस्ट ही है। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड लास्ट पेपर वाले दिन जस्ट बिकॉज़ हम बस में नहीं जाएंगे आज, कुछ एडवेंचर करेंगे, यहाँ से क्रॉस करके पहुंचे थे घर। देखो ऐसे होता है ग्रेवयार्ड, यहाँ पे तो बहुत है। शिमला तो बोलते पूरा बना ही ग्रेवयार्ड पे है। हेलो गाइस, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत करना। जो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो ये प्लस है ना, यहाँ पे भी खड़े होकर फोटोज़ लिए है। अभी तो ये गेट लग गया, उस टाइम पे बंद नहीं होता था, तो हम यहाँ पे अंदर बैठे। हमने सोचो ग्रेव के ऊपर बैठ के पेज पे ऐसे छाता पकड़ के बारिश हो रही है, वो तो लाने की कोशिश करे। भाई क्या क्या किया है हमने, क्यों किया है, क्या करते थे हम। ये ग्रेव यार्ड है, ये वाला इलाका पूरा मतलब नशेड़ियों वाला था। यहाँ पे सारे चर्सी दारू ये सभी चलता था। और हम अपना चिप्स और जूस लेकर यहाँ आए हैं, बंद हो गया। अब मैंने सोचा कि चल थोड़ा वहाँ पे बैठ जाएंगे, इतना पैदल गए होंगे तो। कोई नहीं, हम यहाँ बैठ जाएंगे आगे। नहीं अब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं संजौली के साथ। हम कुछ ऐसा खास संजौली का है नहीं, पर हम आपको एक रेस्टोरेंट दिखाते हैं जो प्रीति जिंटा कहती है द बेस्ट पेस्ट्री शी हैज। लेकिन गो देयर। शिमला की इतनी घोस्ट स्टोरीज है ना अलग अलग जगहों की, मतलब एक बुक है द घोस्ट स्टोरीज ऑफ शिमला हिल्स। हम पहले पहले सब बच्चे मर जाते थे उसको पढ़ने के लिए, वैसे वो बुक मिल जाए। एक यहाँ पे चुड़ैल बॉडी करके भी है, वो बॉडी है पानी वाली, उसको चुड़ैल बॉडी बोलते हैं। फिर क्यों मतलब हाँ, कुछ हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस तो है शिमला के, कि काफ़ी कुछ होता है। अब यू नो पहाड़ है, हिल्स है, तो सब किस्म की चीज़ें तो होती है। शायद ये थी कि यहाँ से पानी आता था, ये थी कि पता नहीं। तो ऐसा बोला जाता है कि इस स्ट्रेच पे ना आपकी व्हीकल की स्पीड खुद ब खुद कम हो जाती है, नो मैटर आप कितना भी एक्सेलरेट कर लो स्पीड को। ये भी नहीं पता पर शायद ये दुगे बांधे हुए हैं वो, देखो ऊपर कहाँ। हाँ स्पीड पे ये देखो, और आई थिंक यहाँ पे पानी पूरी सूख गया है क्या, मुझे पता नहीं। वो देखो इस पेड़ पे वो बांधा भी है। अगिता कह रही है यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज भी आ रही है। दिस इज चुड़ैल बॉडी, ये पता नहीं क्या बच्चे खेलते होंगे यहाँ पे, पहले तो कुश्ती था। सोचो मैं कुछ इनसीन कैप्चर कर लू। मस्ट बी ग्रास हॉपर आई गेस। ग्रास हॉपर कितनी तेज, बैट है, बैट होगा फिर देख। और बैट कहाँ होते हैं, स्पेशियस जगह पे तो नहीं होते। हाँ मेन रोड पे हम पहुँच गए, अब हम संजौली जाएंगे, यहीं से बस रुक जाएगी हमारे लिए। तो देखो जीसस एंड मैरी मार्ग। बीड्स भी बहुत सुंदर है, बीड्स कॉलेज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, पर हम अंदर जा नहीं पाए। उसने बोला एंट्री करनी पड़ेगी, अब कौन करता है एंट्री। हम संजौली जा रहे हैं, वही रास्ता सेम कुफरी के लिए भी जाता है, सेम वही रास्ता। कुफरी नहीं जाएंगे हम, व्हीकल हो तब मज़ा है, ऐसे कुफरी जाके फ़ायदा नहीं। तो वी टुक अ बस और ये है आपका संजौली, बहुत भरा हुआ है। और ट्रैफिक देख लो आजकल शिमला की, ये ट्रैफिक वाले हाल है जो बहुत बुरे हैं। ये पप्पी खुदा ढाबा, ये प्रीति जिंटा ने बताया था यहाँ के परांठे फेमस है। संजौली में डायमंड है ये,
खुले हुए हो गया होगा इसको कोई 6-7 साल हो गए होंगे। जब 12 की बात है ना तब भी खाई है ना, मैं बोलती हूँ आप यहाँ खाए तो मैं गरीब रहेगी फिर मैंने नहीं देखा कॉलेज तब भी नहीं आता खुला था, ये तो 12 सॉरी 14 15 ऐसे खुला होगा। तो मतलब ये डायमंड है, हम सोच रहे थोड़ा डायमंड में कुछ खाएंगे फिर जाएंगे घर। जैसे कि भरपूर वो कॉफी का प्राइस गेस करना प्लीज, गेस इन द कमेंट्स। मिनिमल प्राइस पे गुड अमाउंट ऑफ कोल्ड कॉफी एम लेटिंग, वो भी विद आइसक्रीम। सही में मेरा फर्स्ट तो यही रहता है कोल्ड कॉफी, बस मेरे को शुगर थोड़ी ज्यादा लग रही है, थोड़ी ज्यादा शुगर है, बट इट्स सो रिच ना, मतलब वो जो मिल्क थोड़ा थिक है अच्छा है, कोई जो पानी वाली होती है ना इतनी डाइल्यूटेड गंदी लगती है, इट्स नाइस। 120 नॉर्मल, 150 विद आइसक्रीम। फिर आपका संजौली, ये विशाल मेगा मार्ट, हम सोचे जाके कुछ देख ले, यू नेवर नो कहाँ जिम के कपड़े सही मिल जाए, सो वील चेक दिस आउट कि मुझे जिम क्लोथिंग कहीं भी मिल जाए, आई जस्ट बाय इट। ये है आपका प्यारा संजौली जो हमारे घर से इतने छोटे छोटे घर दिखते हैं बालकनी से। अभी हम रूट अपना चेंज करेंगे, हम ये जो नीचे सड़क जा रही है यहाँ से अपने घर को निकलेंगे, ये वाला थोड़ा हमें पास पड़ेगा, यहाँ की फेमस टनल है ये ढली टनल, इधर से कुफरी के लिए निकलते हैं आप, टनल क्रॉस करके आगे कुफरी है। चलो अंकिता, ये शॉपिंग कर ली अंकिता ने इतनी सारी। अच्छा ये वाली ओल्ड टनल है, ये वाली नई बनी है, ओ दिस इज ग्रेट, इसमें नहीं आई मैं कभी, ये नई बनी है लग भी नहीं रहा, नई वाली ये ओल्ड है, ये नई वाली टनल है, ये काफी लंबी है, अच्छी बनाई है पर नाइस, काफी डेवलपमेंट हो गया। हाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट निकला था ना शिमला का, तो उसकी वजह से चलने के लिए लोगों के लिए ज्यादा जो भी स्पेस थी उनको यूज करके पाथवे बनाया है, विच इज ग्रेट। इनफैक्ट पिछले साल जो वो लैंडस्लाइड हुई थी उसके बाद जितने भी रास्ते टूट गए थे वो भी इन्होंने विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम उनको सही कर दिया है। लास्ट ईयर जब हम आए थे तो इतने रोड टूटे हुए थे रेनफॉल में लैंडस्लाइड की वजह से, वो सब सही हो गया। मतलब शिमला ना गोल है पूरा, तो मतलब जिस एंड से हमने स्टार्ट किया था अगर हम इधर से आए ना तो हम घूम के अब ये वाला रूट से जाएंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हम ऐसे और अब हम घर इस वाले रूट से जाएंगे, ये है ढली, अब हम इस वाले सड़क से अपने घर जाएंगे, मतलब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था अब हम दूसरी तरफ से उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। सो मतलब 2 मिनट भी नहीं खड़े हुए थे, अब सिर्फ अभी लग रही है 15 मिनट बस ज्यादा से ज्यादा। इस बस में हम आए थे, ये वो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो हमने अपनी बस जब रिच जाना था यहीं से ली थी बस, अब हम ये चढ़ जाएंगे वापस ऊपर और घर पहुंच जाएंगे फाइनली, बस थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के हम पहुंच जाएंगे घर। आज का दिन अच्छा था, पीसफुल था, हमें काफी आराम से चलने को मिला, टीचर्स से मिले, वेरी गुड, अच्छा लगा सबसे मिलके। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वो मुझे जानते थे, एक्चुअली मैं 4 या 5 4 साल कंटिन्यूसली बेस्ट एथलीट थी तो स्पोर्ट्स में अच्छा खासा नाम था, और बाकी मैं स्कूल की कैप्टन भी रही हूँ 2 साल, तो इसलिए ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड डे। हाउ वाज योर डे? है घुटने में दर्द आ गया, ये तो बुढ़ी हो गई है। मम्मी को हमने झूठ बोला, मम्मी की कॉल आई, मैंने स्कूल ऐसे बोल दे, ऐसा बोल दे कि हम अभी मॉल पे निहारिका के घर है और वही नाइट आउट मारेंगे, इससे बोल दिया मम्मी गालियां मार रही है। तो बोलना नहीं अभी, मैं कह रही अभी आओ घर, ये कह रही आपने तो बोला घूमो। सो गाइस हाँ ये रास्ता अंकिता गाड़ी सीख रही थी पापा के साथ, यहाँ से मैंने सुबह गाड़ी लेकर आई जैसे मोड़ पे और यहाँ से गाड़ी नीचे स्टीयरिंग व्हील घुमा हुआ ही रह दिया सीधा किया ही नहीं, जैसे दो गाड़ियां खड़ी है। हाँ हाँ मैं आपको फोटो दिखाऊंगी इसकी अगर होगी, है पड़ी हुई हाँ, दो गाड़ियां तब भी खड़ी थी बीच में से हमारी गाड़ी खड़ी होती है, थैंक गॉड वरना पलटी नहीं, पलटी होती तो ना ये व्लॉग्स होते ना हम, मैं तो होती तू ना होती, व्लॉग्स तो नहीं होते,
तू डिस्कवर नहीं करती फिर। अच्छा, आई ट्राइड कि मैं आपको शिमला दिखा पाऊँ और अपडेटेड रख पाऊँ अबाउट वेयर एवर आई एम गोइंग टू द न्यू प्लेसेस और विद माई लाइफ एंड कीप यू अपडेटेड विद माई लाइफ। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। चाहे तुम इतनी पोजेसिव हो, तुम कॉल पे कॉल करी जा रही हो। आपको बोल के दिया किसी घर जा रहे हो, पापा पीछे सो रहे, कोई नहीं 9 बजे आ जाना, आपको क्या दिक्कत है? मैं तो बताना चाह रही थी कि 5 साल इतने बजे आ रही। अच्छा, फोन पे तो बड़ी गालियां दे रही और वो फुल गर्ल्स बंदी जैसी बंदी जो सीधी होकर बैठती है ना, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। टिल देन, जब तक मैं नया व्लॉग बनाती हूँ, टिल देन टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।